हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कल की 2898 AD का एक प्रिल्यूड आया है अमेज़न प्राइम पे। 15 15 मिनट के दो एपिसोड्स है, और इन एपिसोड्स को देख के मुझे दो तीन चीजें हैं जो पता चल गई है जिस वजह से ये प्रिल्यूड निकाला गया है। देखिए, पहला रीजन ये है कि उन्होंने ये एस्टेब्लिश करने की कोशिश की है कि बुज्जी और भैरवा क्यों मिले, कैसे मिले, क्या रीजन से मिले। दूसरी चीज ये बताई गई है कि भैरवा और बुज्जी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। जिस तरह भैरवा को बताया गया है कि वो थोड़े से क्वकी इंसान है, लोगों से उधारी ले लेकर जी रहे हैं, एंड बट बहुत स्ट्रांग है, पावरफुल है, एंड कुछ भी करने का एक कॉन्फिडेंस रखते हैं। वहीं बुज्जी को बताया गया है एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है, बहुत ज्यादा क्विक एक्शन ले सकता है, डेटा एनालिसिस कर सकता है, किसी भी चीज को अज्यूम कर सकता है। मतलब एक ऐसा एडवांस्ड AI कैरेक्टर कहो आप उसको, जो कुछ भी कर सकता है। तो ये चीज एस्टैब्लिश हो गई है कि भैरव अगर बॉडी है तो बुज्जी दिमाग है। तो अब ये चीज एस्टैब्लिश की है उन्होंने। तीसरी चीज ये एस्टैब्लिश की है कि ये जो रीजन है ये क्या है, कहाँ है, इसकी वैल्यू क्या है, क्यों वहां पर ये ऐसी सिचुएशन जो हमने ग्लिम्स में देखी, हमने बुज्जी के टीजर में देखी, क्यों वो चीजें आ रही है। तो यहाँ पर ये एस्टैब्लिश करने की कोशिश की कि वहां पर खाने के लाले हो गए हैं, लोग सूंघ के खुश हो जा रहे हैं, मतलब हर एक चीज के लिए पैसे नहीं यूनिट्स मांगा जा रहा है, तो बाउंटीज रखी जा रही है ताकि लोग पैसे कमा सके, यूनिट्स कमा सके। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही है जो उस समय में प्रोबेबली हो सकती है जब दुनिया के अंत पे, दुनिया अंत में आकर खड़ी हो गई हो। और ये 2896 AD की बात कही है जो प्रिल्यूड में कहा है। मतलब जो फिल्म हम देखेंगे उसके 2 साल पहले की ये कहानी है, और 2 साल तक क्या हुआ, कैसे हुआ, वो सब चीजें हमें ऐसा लगता है शायद हमें फिल्म में देखने मिलेगी, अलोंग विद व्हाट हैपेंस इन 2898 AD। तो बहुत ही मजेदार तरीके से मेकर्स ने इन चीजों को रिवील किया है, एक कॉम्प्लेक्स रिवील किया है जहां पर हर तरीके की सुविधा है, सुख सुविधा है, मौजूद है, और वहां पर एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ बाउंटीज सॉरी यूनिट्स आपको कलेक्ट करनी पड़ेगी, तब जाके आप उसका हिस्सा, उसकी मेंबरशिप ले सकते हो। तो अब वो कॉम्प्लेक्स में कौन है, क्या हो रहा है, वो सब चीजें हमें फिल्म में देखने मिलेगी। यहाँ पर लोगों की ऑन ग्राउंड हालत क्या है, किस तरीके से लोग जी रहे हैं, ये सब चीजें हमें दिखाई गई है प्रिल्यूड में। तो आई थिंक जो मेकर्स ने ये डिसीजन लिया है ना प्रिल्यूड दिखा के लोगों को एक टेस्ट कराने का कि यार किस तरीके की हमारी फिल्म हो सकती है, साइंटिफिकली किस तरीके से ये फिल्म एक फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रही है, वो बहुत जबरदस्त तरीके से किया है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, जो एनिमेशन उन्होंने बताया है, जिस तरीके से उन्होंने छोटी छोटी चीजें डिटेल्स पे ध्यान दिए है ना, हैट्स ऑफ टू द मेकर्स। मतलब कितना पहले का ये प्लानिंग होगा आप सोच सकते हो कि ये चीज निकालनी है उनको। मतलब दिस इज अनदर लेवल ऑफ मार्केटिंग जो इस फिल्म में हमें देखने मिल रही है। एंड मेरे हिसाब से इट्स अ कल्ट सिचुएशन जहां पर हम फ्यूचर में इस तरीके के प्रमोशंस को और भी ज्यादा शायद देख सकते हैं। एंड यू नो, अभी बुज्जी का एक टूर भी चल रहा है, इंडिया टूर भी चल रहा है, वो तो बहुत बेसिक सी चीज है, चलो लोगों को एक्सपीरियंस कराया जा रहा है, पर जो एनिमेशन के थ्रू ये जो इन्होंने अमेजोन प्राइम के साथ मिलके बनाया है ना, हैट्स ऑफ टू द मेकर्स। मतलब उन्होंने अपने ऑडियंस को सीरियसली लिया है, उन्होंने ऑडियंस को बताने की कोशिश की है कि वो फिल्म में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसकी छोटी सी झलकी भी दी उन्होंने, और फिल्म का कुछ रिवील नहीं करते हुए भी उन्होंने बहुत सारी चीजें ऐसी बता दी जिसकी वजह से इंटरेस्ट पैदा होगा, हर एक वर्ग के इंसान को इंटरेस्ट पैदा होगा, चाहे वो बच्चा हो जाए, चाहे वो एक यंगस्टर हो जाए, चाहे वो एक बूढ़ा हो जाए, हर एक इंसान को उन्होंने कैप्चर किया है इसके जरिए। हालांकि एनिमेटेड फॉर्मेट है तो बच्चों को ज्यादा एक्साइट करेगा, पर मैं सजेस्ट करूंगा हर एक इंसान को ये एनिमेशन, ये जो 2 एपिसोड का जो प्रिल्यूड है वो देखने के लिए। बिकॉज यार हॉटस्टार में बाहुबली का हाल आपने देखा है किस तरीके से कर दिया गया है, तो मैं तो सजेस्ट करूंगा आप ये देखो, बिकॉज दिस इज व्हाट एक्चुअल एनिमेशन, एक्चुअल रीजन ऑफ एनिमेशन है। एंड ओवरऑल आई वुड रियली रियली बी हैप्पी अगर हमें और भी कुछ देखने मिले। अब सुनने में आ रहा है कि 7 जून को ये इसका ट्रेलर आ सकता है, बट यार मुझे थोड़ा जल्दी लग रहा है, बट वर्ल्ड कप भी है, सब कुछ है, और आगे और भी प्रमोशंस करने हैं, तो यू नेवर नो। बट 7 जून को हो सकता है उन लोग कोई गाना भी निकाले, तो वो भी एक पॉसिबिलिटी है।
तो लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बाकी आपको क्या लगता है, आपको प्रिल्यूड कैसा लगा? ये मत सोचना कि भाई 30 मिनट का प्रिल्यूड है वो यूट्यूब पे निकाल देते हैं। बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी, बहुत बड़ा एक बिजनेस डील होता है ये, तो आपको वो चीज बाद में जरूर पता चल जाएगी। बाकी लाइक शेयर कमेंट जो हो सके कर दो, बुज्जी के लिए, प्रभास के लिए, जितना हो सके लाइक्स टोक दो। टिल देन मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।